नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। झारखंड अभिभावक संघ ने डीसी कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। कहा शिक्षा मंत्री व झारखंड राज्य सरकार का उदासीन रवैया अभिभावकों के प्रति है। सर, हम लोग के लिए बहुत कुछ भी है, हम लोग सिर्फ खाने के लिए यहाँ पर मोहताज है सर। अब इसके पास पैसा सर उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वो तो सर कुछ भी अपना कर सकता है, वो फी भी अपना भर रहा है, लेकिन हम लोग के पास नहीं सर। छोटा छोटा बच्चा लोग को लिए कैसे ये धूप में क्या है, ये क्या है, ये मनमानी है सर स्कूल के ना, स्कूल प्रबंधक का सर। सब स्कूल भी सर गए, तब लोग स्कूल में सर प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ भी सर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम लोग बोला कि जवाब देंगे 5 दिन के अंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। हम लोग का 10 गार्जियन का सर नाम लिख के ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं वो तक ले लिया, लेकिन कोई कुछ फोन नहीं स्कूल से भी नहीं। बस बच्चे लोग फीस जमा करो, बच्चे लोग फीस जमा करो, दिन भर में 5 बार मैसेज आता है सर। हम लोग क्या करें बताइए, क्या करेंगे आगे? जो जहाँ तक अभिभावक ग्रुप है, जितने भी है, भाई है, बहन भी है, मान कि जैसा हम लोग का एक दो है, हम लोग का जो प्रतिक्रिया है 3 महीना का जो फी बंद है वो चीज़ नहीं। अब रहा जो मान कि जो 3 महीना का जो इधर में, उसमें से 15% मान कि जो हम लोग वही दे पाएंगे, इसके आगे सब नहीं दे पाएंगे। सुषमा देवी, अभिभावक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये स्कूल आप चलाते हो या हम अभिभावक मिलकर स्कूल चलाते हैं, तो आप डिफॉल्टर हो या हम डिफॉल्टर हैं। हम अभिभावक यदि हर साल आपको पैसा दे के सारा कुछ दे के आपके स्कूल को सारा व्यवस्था हम लोग करते थे, और आज हम अभिभावकों को आप रिपोर्टर बोलते हैं, तो ये किस माध्यम से आप रिपोर्टर बोले? मैं अपने झारखंड सरकार, अपने केंद्र सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे तानाशाही स्कूलों को तालाबंदी कराया जाए। मेरा नाम हुआ अभिनाथ झा। अभिभावक संघ का परिणाम, संघर्ष का परिणाम इतना उत्तम हुआ कि माननीय मंत्री जी को स्कूल जाकर फीस जमा करना पड़ा। ये अभिभावक संघ का परिणाम है, ये मंत्री जी का नौटंकी। हम मध्यमम अभिभावकों को शोषित और पीड़ित होते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा का कहावत चरितार्थ हो रहा है। हम लोग का संघर्ष जब तक रहेगा, जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, हम लोग संघर्षरत रहेंगे। सरकार को, प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अच्छा, मंत्री जी जो जाके खुद फीस जमा करके आए, इससे क्या संदेश लोग को जाएगा? इससे संदेश मंत्री जी का नौटंकी, मंत्री जी का षड्यंत्र अभिभावकों के विरुद्ध, यही अभिभावक अभी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है हम लोग को डराने का, हम लोग को नीचे झुकाने का। हम मध्यम वर्गीय अभिभावक जो इस राज्य का बनाने और संवारने में काम करते हैं और जनता है, जनता का सेवक, जनता का भक्षक बनने का प्रयास किया और भक्षक बना हुआ है। आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है कि ये